अंदर आपकी जो रिंगटोन है वो कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। रिंगटोन सेट कैसे करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बट उसके बाद गाइस आपको साउंड एंड वाइब्रेशन में चले जाना है। तो यहाँ से हम आ जाते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन में। इसमें आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सबसे ऊपर जो ऑप्शन देखने को मिलता है गाइस वो है वाइब्रेट ऑन रिंग। अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो रिंग के साथ आपका फ़ोन वाइब्रेट भी होगा। बट गाइस अभी हम बात करने को आए हैं कि हम रिंगटोन कैसे चेंज करेंगे। तो गाइस यहाँ से आपको रिंगटोन का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आपको टैप कर लेना है। इस पर आप टैप करेंगे तो गाइस यहाँ पे आपको सिम बने या सिम टून में से कोई भी रिंगटोन आप चेंज कर सकते हैं। तो गाइस अगर मैं सिम टू पर क्लिक करूँ तो गाइस यहाँ पे हमारी फाइल के अंदर से एक सिलेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो गाइस यहाँ से फाइल के अंदर से ये सिलेक्ट है, ठीक है। इस टाइप से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको चेंज करनी हो तो, अगर आपको ये करनी है तो आप ये कर सकते हैं, ये करनी है तो आप ये कर सकते हैं, ओके। तो इस टाइप से आप फाइल के अंदर से चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको यहाँ पे कोई भी रिंगटोन अगर आपको पसंद आ रही है तो यहाँ पे आप सिंपल सा क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आप रिंगटोन चेंज करना सीख गए हैं। हर सिम के लिए आप कर सकते हैं, कैसे चेंज करना है फिर कैसे सेट करना आप समझ गए होंगे। तो गाइज अगर समझ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। बाकी सब बढ़िया गाइज, मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।